हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज के इस पेपर में हम बात करेंगे जो आपका जनरल टेस्ट होगा CUET UG का। ठीक है, आपका पेपर आ गया है और आपको पेपर से पहले ये पता होना चाहिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कैसे क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन होंगे, जीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चले। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सभी तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि सबका ये टेस्ट जो है क्वालिफाई हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, विच मुगल रूलर डिड अवे द जजिया टैक्स। कहने का मतलब यह है कि जो जजिया टैक्स था ना, ये अबोलिश्ड किसने किया था, यानी ख़त्म किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक, जहांदर शाह औरंगजेब, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो डियर एस्पिरेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, जजिया वाज अबोलिश्ड बाय थर्ड मुगल एम्परर अकबर, जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, कब किया था, 1564 में। तो ये फाइनली अबोलिश्ड किया गया था 1579 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका, डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड पूछा गया, ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज बेकिंग सोडा। देखिए, आपसे पूछा गया कि ऑर्डिनरी टेबल साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्सअप होगा आपको क्वेश्चंस का, उसी तरह से जो लास्ट हमने क्वेश्चन पेपर लाया था उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर है। अब कटुलिया जो है अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, ये किससे डील करती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे है इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन से, सोशल एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट से या मिलिट्री एस्पेक्ट से, आपको इसका आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, कटुलिया की जो अर्थशास्त्र थी ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो नवाब ऑफ बंगाल कौन था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। आप खुद भी पहले आंसर दें वीडियो को पॉज करके, वीडियो के एंड पे आपने ये बताना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए थे। आप इसको एक पेपर मान के चलें कि आपका ये एग्जाम एक्चुअल में एक एग्जाम है, तभी आपको पता चलेगा कि कल आप पेपर में क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। जब जो हमारे पास नवाब बंगाल कौन था बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, सिराजुद्दौला था। तो आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके डियर एस्पिरेंट्स, चले प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ये किस तरह से हम मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, लाइसीमीटर से या हाइड्रोमीटर से। तो याद रखना, इसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ओके, क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। यहाँ पे ये स्पेलिंग ठीक करना, इसका आंसर यह होगा हाइड्रोमीटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइग्रोमीटर, HHYGRO, हाइग्रो MET। ठीक है, हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, यानी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होते हैं इन द एयर में, साइल में या कन्फाइंड स्पेसिस में, उनको जो मेजर करता है वो हाइग्रोमीटर करता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं डियर स्पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर एम्प्लॉयमेंट सर्वे वाज स्टार्टेड इन इंडिया, के कौन से साल एम्प्लॉयमेंट सर्वे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है 2008, 2015, 2010, 2016। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ये हमारे पास 2010। ठीक है, ये बी ऑप्शन था, ये आपने याद रखना है। लेकिन यहाँ पे 2010 में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट सर्वे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ये आपने याद रखना है। एम्प्लॉयमेंट सर्वे कब स्टार्ट हुआ, 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड एम नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज दैट ऑफ, के जो गवर्नमेंट है उसने रीनेम्ड किया था एम नरेगा को, अब इसके साथ कौन सी स्कीम जुड़ी हुई है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास महात्मा गांधी। देखें, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है वो महात्मा गांधी है। और नरेगा की बात करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ आल्सो नोन एज महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 भी बोलते हैं इसे, ये आपने याद रखना है। और एन नरेगा वॉज रीनेम्ड एज एम नरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बाद में नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अंडर NPS प्राइवेट सेक्टर, 55 ईयर, 60 ईयर, 65 ईयर, 70 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर ले।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर। ओके, यहाँ पे याद रखना है 65 ईयर जो है ये मैक्सिमम एज है ज्वाइनिंग करने की नेशनल पेंशन सिस्टम को एनपीएस को अंडर द एनपीएस प्राइवेट सेक्टर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 9। देखें इन क्वेश्चन जो ऑप्शन है नहीं है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग यूएसएसआर है, लेकिन एक्चुअल में अगर यहाँ पे सोवियत यूनियन भी होता ऑप्शन में तो वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 5 ईयर प्लान अगर इन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो यूएसएसआर इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया हु ऑथर द बुक यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वसराया या जे आर जी टाटा, जे डी बिरला या फिर पिताबी सीतारमैया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑथर द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वासराया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 1934 में ये बुक इनके थ्रू ऑथर की गई थी, लिखी गई थी, ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 5 हैं 6 हैं 7 हैं 8 हैं। आपको ये आंसर बताना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 6। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इंक्लूड राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपने याद रखना है, मैंने सभी के सभी बता दिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अंबेडकर, ग्रैनविल एस्टिन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैनविल एस्टिन इसका राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या होते हैं, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज, किशन गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर, हरमुख गंगा, गंगाबल। इस क्वेश्चन का आंसर आता है किशन गंगा रिवर, और आप सबको ये पता होना चाहिए ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज लिंग्विस्टिक स्टेट इन, के जो आंध्र प्रदेश है ये क्रिएटेड की गई लिंग्विस्टिक स्टेट कब, 1915 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1953, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश क्रिएटेड एज लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1953, ओके, एंड अगेन क्रिएटेड इन 1956 में, ये दोबारा से क्रिएट की गई थी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। ओके, और अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, ये दूध गंगा रिवर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में। सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग काज बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से काज होती है, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है यहां पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो काज बाय बैक्टीरिया होती है वो ट्यूबरक्लोसिस है, ये आपने याद रखना है, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस, के जो एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो कौन सा होता है, एसेटिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो एसिड गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है वो हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और इंजाइम इसमें पेप्सिन एंड म्यूकिस होते हैं, और फंक्शंस की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इन द स्टोमिक इज यूज्ड, ये बनाता क्या है, टू मेक द मीडियम एसिडिक, टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द इंजाइम पेप्सिन एंड टू किल जर्म्स। ओके, कोई भी जर्म होगा उसको ये किल करेगा, और इंजाइम पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और कन्वर्ट करता है उसको फिर हमारे पास किसमें, पेप्टोन्स में, ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन, सबसे पहले हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने यूज़ की थी और कब की गई थी। ऑप्शन ए है रिचर्ड फिनमैन, या फिर 1959 में नोरियो, यहाँ पे है टेनिग्यूची 1974, एरिक ड्रेक्सलर 1986, या फिर सुमियो लिजिमा 1981। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोरियो, जो हमारे पास टेनिग्यूची है 1974 में इन्होंने क्या किया था, हमारे पास ये टर्म दी थी, याद रखना, एक जापानी साइंटिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू यूज एंड डिफाइन द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशन, कंसोलिडेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बाय वन एटम और वन मॉलिक्यूल, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। नेशनल पंचायती राज दिवस इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड, और ये कब सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी को, 22 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो जो हमारे पास नेशनल पंचायती राज डे है ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है, तो डियर एस्पिरेंट्स ये 24 अप्रैल को किया जाता है एनुअली, याद रखना है आपने।
जो नेशनल पंचायती राज डे है, जिसे आप नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी कहते हैं, इज द नेशनल डे ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 24th अप्रैल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, जज ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफिस ऑफ ऑफिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो जज होता है हाई कोर्ट्स का इंडिया में, वो एडमिनिस्ट्रेड ओथ करता है ऑफ ऑफिस बाय किसके थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, करेक्ट आंसर जो होने वाला है, द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, ये आपने याद रखना है। चलिए हमारे पास 20 क्वेश्चन हुए जो अभी जीके बेस थे, जीके से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड, लेकिन मैथ और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं अब उनकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ फेमिलर। ओके, फिर उसके बाद दिया गया द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी और सी इज द डॉटर ऑफ ए, हो इज बी रिलेटेड टू ए। देखिए जब भी इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है कैसे करना है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप समझना क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आपने एक जनरेशन गैप बनाना है, अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो केसेस बनते हैं, लेकिन पहले केस की बात कर लेते हैं जिसमें हमारा आंसर आएगा। हमारे पास ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जब हम बात करते हैं कि व्हेन ए इज द, ए क्या है, व्हेन ए इज द फादर ऑफ सी, ए क्या है, फादर ऑफ सी, फादर ऑफ सी। हमने क्या कहा, ए जो है कोई वो रीड कर रहा है एक बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलर, और ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी और सी इज द डॉटर ऑफ ए, हो इज बी रिलेटेड टू ए। यही बात है, स्टेटमेंट को समझे, ए रीड कर रहा है किताब को और फाइंड कर रहा है नेम ऑफ द ऑथर फेमिलर, सेम मतलब जो ऑथर है उसका नाम सेम उसी तरह से है। फिर ऑथर बी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ सी है, और ऑथर बी जो है वो भी पैटर्नल अंकल सी का है, लेकिन सी जो है वो डॉटर है ए की। और अब देखें क्या कहा गया, सिंपल ये स्टेटमेंट समझें कि जो ऑथर बी है वो क्या है, पैटर्नल अंकल ऑफ सी। यही बात है। अच्छा, हम इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं, ये जो है द ऑथर बी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, इसको डिनोट करते हैं, सी यहाँ पे आएगा, सी जो है वो पैटर्नल अंकल, और सी के बारे में ये कहा गया कि ये डॉटर है ए की, डॉटर है तो सिंपल आप इसको भी सर्कल में रख लो, और जो ऑथर बी था जो पैटर्नल अंकल था सी का, वो कहीं ऊपर आ जाएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं, और वो ट्राइंगल में हम शो कर देते हैं, जो मेल होते हैं उनको हम ट्राइंगल में शो करते हैं, जो फीमेल होते हैं उन्हें सर्कल में। अब देखें पैटर्नल अंकल था ना, तो इसका मतलब कि इस जो ये अंकल है तो इसका बाप जो होगा वो भी कहीं यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, ठीक है, तो वो बाप जो है वो ए में हम उसको मान लेते हैं और वो इसी ट्राइंगल में शो कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया रिलेशन में, आपको पूछा गया हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, ये बी जो है ये इस ए का क्या होगा, तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर है बी विल बी ब्रदर ऑफ ए, ये बी जो होगा इसका भाई होगा, दोनों ट्राइंगल में सेम सेम पोजिशन पे है, ये पैटर्नल अंकल था यहाँ पे इसका सी का, तो इसीलिए ए क्या हो जाएगा, ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी विल बी द ब्रदर ऑफ ए, हमें पूछा है बी रिलेटेड टू ए, ये बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या रिश्ता है इस ए के साथ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आप इसको चूज कर लें, हमारे पास ब्रदर ऑफ ए, क्या करेंगे ब्रदर ऑफ ए, तो आप इसको ब्रदर यहाँ पे करेंगे चूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, आर इज द फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर। सिंपल, एक्स एंड वाई आपस में क्या है, बाई है, यही बात है। अब आपने स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना, एक्स एंड वाई आपस में बाई हैं, एक्स एंड वाई दोनों को लिख लो और दोनों को याद रखना ट्राइंगल में शो करना, सर्कल में नहीं, क्योंकि दोनों बाई हैं, मेल हैं, ठीक है। फिर आपको स्टेटमेंट में पूछा गया आर इज़ द फादर ऑफ वाई, और आर जो है ये, आर जो है ये फादर है वाई का, मतलब कि ये जो वाई हमने ड्रा किया इसका फादर कौन है, आर है, तो आर फादर है, तो ये इस वाई के ऊपर हम आर करेंगे और डिनोट करेंगे उसको, और उसमें ट्राइंगल में इसको रख देंगे। इतना आपको समझ आया, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, ये हमें रिलेशन तो अभी नहीं ड्रा होगा यहाँ पे, हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक मैटरनल अंकल ऑफ एक्स है, क्या कह रहा है कि एस तो ब्रदर है टी का, साथ में मैटरनल अंकल भी है एक्स का, एक्स हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एस है वो एस के ही पे हमारे पास ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा, इसको ट्राई एंगल में रखेंगे, और फिर वो कह रहा है एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी का भाई है और मैटरनल अंकल है, इसीलिए हमने इसको ट्राई एंगल के अंदर रख दिया। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ
टी टू आर। अब रिलेशन ऑफ टी टू आर क्या होगा, देखें एस अगर ब्रदर टी का था और ये मैटरनल अंकल एक्स का था, तो ये टी भी तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा ना उस हिसाब से। तो ये टी को हम इस तरह से रख लेते हैं, हम इसको यहाँ पे सर्कल में रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ टी टू आर, इस टी का इस आर से क्या रिश्ता है, अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं तो प्लस का निशान आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो टी विल बी वाइफ ऑफ आर। टी क्या होगी, वाइफ होगी, टी विल बी वाइफ ऑफ आर, ठीक है। देखें आपको अगर नहीं है तो आपको अभी ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने ब्लड रिलेशन का मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ तो ये सर्च करना प्लेलिस्ट में जाना, पहले बेसिक क्लास देखना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम बचा है इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको जल्दी में सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टी विल बी वाइफ ऑफ आर, वाइफ कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाइफ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 23, इफ 25 फरवरी 2005 इज ए मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 25 मार्च 2005, मंडे, ट्यूजडे, संडे, वेनसडे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से सॉल्व करें। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मंडे, ये आपने याद रखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि ये मंडे कैसे आया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं वो आपको पता करने होते हैं, और फरवरी और मार्च की बात हो रही है यहाँ पे। देखें इफ 25 फरवरी 2005 इज ए मंडे, तो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 25 मार्च 2005, आपसे ये पूछा था। तो रिमेनिंग डेज जो बचते हैं उनमें आप क्या करेंगे, इसमें जो रिमेनिंग डेज बचेंगे वो तीन बचेंगे, और थ्री प्लस जो गिवन डेट होगी 25 होती है, तो आप ये बात कर सकते हैं कि उसमें जब आप इसको ऐड करेंगे 3 को 25 के साथ तो 28 होगा, तो पीछे 8 डेज कुछ भी नहीं बचता, 0 8 डेज बचते हैं। तो 25 मार्च 2005 जो है वो हमारे पास, उसमें क्या होगा, मंडे प्लस 0 करोगे तो वह मंडे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 फरवरी 2005 को मंडे था ऑलरेडी, यही बात है। मैंने कहा नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितने थे, नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें तीन, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितने, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने, तीन, ये बात है। फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं ना, फरवरी और मार्च की, ठीक है। लेकिन मैंने कहा रिमेनिंग डेज जो होते हैं, जो बचे हुए दिन होते हैं वो क्या होंगे, वो तीन होंगे, प्लस गिवन हमें कितने दिए थे 25, तो ये कितने हो गए 28। हमारे पास ऑड डेज कोई भी नहीं था, जीरो ऑड डेज थे, जीरो ऑड डेज थे, तो आपने क्या करना है, 25 मार्च जो हमारे पास 2005 है, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे मंडे प्लस जीरो आठ डेज था, मंडे प्लस जीरो हमारे पास, पीछे मंडे ही बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, मंडे ही होगा, ये इसका आंसर था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 24 पूछा गया आपसे, इफ 10 अगस्त 2020 इज ए मंडे, देखें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से, ये बात याद रखना, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 31 दिसंबर 2020। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर डियर एक्सपीरियंस क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे थर्सडे, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ये भी हम बात करें इसी तरह से, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें अगर आप बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 10 अगस्त 2020 को मंडे था, तो व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 31 दिसंबर आपको पूछा है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सेम टू सेम जो मैंने पहले तरीका आपको बताया, आंसर थर्सडे आएगा, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ अगर हमने इनको ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया फिर ये हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आपको टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका टाइम जो है वो जितना भी हो सेव हो सके और आपको हिंट भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। ऑप्शन दिए गए 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, फिर आपसे दिया गया 14 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 14 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, हम यहां पे बात कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ए कितना है, ए 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, कितना, आपको डायरेक्शन का ये पता होना चाहिए, इस तरह से हमने डायरेक्शन नॉर्थ, ठीक है, इसके अपोजिट साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, और बीच में हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शन होती है, यहाँ इस तरह से, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, इसके बीच में यहाँ पे ईस्ट, सो ये हमारे पास साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट, फिर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए जब कल आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया इस तरह से सॉल्व करना है। अब हमें क्या पूछा गया, ए इज 6 किलोमीटर कितना है ईस्ट ऑफ बी है, यानी अगर ए 6 किलोमीटर कितना है ईस्ट, ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पे बी इस तरफ हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर है किसके, यहाँ पे लिखा हुआ है बी बी बी, सॉरी ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी इधर आएगा, ए इधर आएगा। चलिए अब क्या करना है हमें, सेकंड क्या हुआ, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ, और सी कहाँ पे है, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, अब सी हमारे पास 4 किलोमीटर नॉर्थ है, तो यानी कि हम यहाँ दोबारा से इसको बना लेते हैं, ये आ गया ना बी बी, और फिर ये हमारे पास
इधर पेज पे ले लेते हैं, बी और इधर ए, हमें क्या कहा गया था, ये सिंपल था ना, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो ये हमने ड्रा कर लिया, ये कितना था, ये 6 किलोमीटर था। सेकंड क्या पूछा गया, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी कितना है हमारे पास, 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी है, ये बी है तो इसके नॉर्थ में ये 4 किलोमीटर है, यानी हम यहाँ से ऊपर 4 किलोमीटर जाएंगे, ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है तो इसके ऊपर ये जाएगा, तो हमारे पास 4 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, ये आप नोट करें, यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है, सी लिख लिया हमने, ये 4 किलोमीटर हमने सी ऊपर की तरफ गए। उसके बाद हमें पूछा गया है डी इज़, यहाँ पे क्या पूछा गया, डी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, और डी फिर आगे 12 किलोमीटर है साउथ ऑफ सी के, ठीक है, हम उसे 12 किलोमीटर को कहीं किसके पूछा हुआ है, हमें सी के पूछा हुआ है, तो हम उसको मान लेते हैं, इधर यहाँ पे किसकी तरफ पूछा हुआ है, डायरेक्शन हमारे पास पूछी हुई है साउथ, साउथ हमारे पास कहाँ पे होता है, साउथ सीधा नीचे होता है, यहाँ पे आपको पता है इस तरफ होता है, तो हमें तो सी के बारे में पूछा, अब सी से ये रिलेशन ड्रा नहीं होगा, तो हम इसे इधर 12 किलोमीटर यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस तरफ साइड में, साउथ इधर नीचे होता है ना, यहाँ हम 12 किलोमीटर यहाँ पे इसको साइड में कर देंगे। उसके बाद हमें पूछा गया नो, अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ डी फ्रॉम ए, अब बताना है आपकी कितना दूर और किस डायरेक्शन में जो डी है वो ए से है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज़ डी फ्रॉम ए, के डी जो जो ए कितना दूर है ए से। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल 12 किलोमीटर हो गया, ए भी आ गया, अब हमारे पास ये सीट था और यहाँ पे डी हमने यहाँ पे नोट करना है नीचे, ठीक है, ये डी हम यहाँ पे रखेंगे इधर कहीं, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको आपस में जोड़ देना है, इस डायरेक्शन को भी जोड़ देना है, ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, बी डी कितना है हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू 12, बी डी हमारे पास कितना है, बी डी इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे 12, ओके, माइनस 4 करेंगे, ठीक है, ये वाला 4 हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 8 किलोमीटर, ठीक है, फिर हमारे पास इसी तरह इन ट्राई एंगल जो हमारे पास ये वाली ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल ए बी डी, ए ए बी डी, ये ट्राई एंगल ए बी डी हमने क्या करना है, इसको आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता ही होगा, ए डी का स्क्वायर करेंगे, इस ए डी का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू हमारे पास ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, इनको आपने स्क्वायर किया तो अब हमें पता है ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर जब करेंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6, ये हमारे पास 36 प्लस 64, ये हमारे पास कुछ हो जाएगा 100 किलोमीटर, और ए डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 रूट में हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है, तो ये आपस में रूट कैंसिल और हमारे पास पीछे बचा 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर तो बचा, लेकिन जो डायरेक्शन हमें पूछी थी, हमें द डायरेक्शन जो पूछी थी डी की विद रिस्पेक्ट टू ए पूछी थी, तो ये हमें पता है यहाँ पे जो हमने ड्रा किया था ये, तो हमें पूछा गया था कि आपने डायरेक्शन बतानी है डी की फ्रॉम ए, तो डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये किस तरह की डायरेक्शन, कुछ इस तरह की डायरेक्शन थी, इस तरह की डायरेक्शन हमारी कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी शो करती है, ये हमारे पास साउथ वेस्ट की शो करती है, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट इसका आंसर है, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर था 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 26, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 90 मीटर, आफ्टर इट ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, नाउ व्हिच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपने उसी तरह से एग्जाम में जाके करना है। देखें सिंपल, अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। इनिशियल डायरेक्शन हमें क्या पूछी गई थी, इनिशियल डायरेक्शन इज़ गोइंग टुवर्ड नॉर्थ है ना, आप लिख लो सिंपल से इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ये इसकी शुरू वाली डायरेक्शन थी, वो आपने लिख लो नॉर्थ, लिख लिया, बहुत आसान है, वीडियो को लास्ट तक देखना, नॉर्थ है। अब देखें सिंपल क्या करना है, आपने क्वेश्चन में देखना है क्या क्या, फिर आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, ये किस तरफ गया, राइट गया, कितना 150 मीटर था ना, 150 मीटर ये राइट गया, आपने राइट लिख लेना है ऐसे, फिर हमारे पास क्या हुआ, एंड वॉक्स 80 मीटर और 80 मीटर चला, फिर अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा वो कितना चला, वो राइट चला हमारे पास, एंड वॉक्स 90 मीटर, फिर 90 मीटर वो आप राइट दोबारा से लिख लें, ये डायरेक्शन आप साथ साथ लिखते रहेंगे, कितना राइट, फिर राइट चला है ना, ये राइट हमने नोट कर लिया यहाँ पे, फिर ही अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर वो राइट गया,
फिर वो राइट हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरी बार जो वो राइट गया वो भी यहाँ लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60 मीटर ये चीज़ें लिखें, लेकिन ये डायरेक्शन लिखनी है। पहली डायरेक्शन नॉर्थ थी, फिर राइट थी, फिर वो राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, और लास्ट पे वो कहाँ पे उसने टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया था, यही बात है। और लेफ्ट की टर्न जो वो किया वो हमारे पास 40 मीटर किया, ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, कोई भी हमारे पास और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछी है। अब क्या करेंगे आप, अब इनमें ढूंढें राइट और लेफ्ट दोनों जो हैं ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो अलग अलग हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सेम बचे राइट और राइट, और पीछे इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, नॉर्थ थी। व्हेन ए पर्सन टेक्स टू राइट, जब कोई आदमी दो राइट ले, पीछे हमारे पास दो राइट बचे ना, जब भी कोई पर्सन टू राइट्स लेता है देन ही रीच अपोजिट डायरेक्शन, तब वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना, कहाँ पहुंचता है, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अच्छा, दो राइट गया था, इसका मतलब इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ थी, फिर राइट गया, ठीक है, फिर हमें पता है हमारे पास नॉर्थ गया, फिर राइट गया, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास यहाँ पे वो राइट गया था, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम दो दो राइट की तरफ जाते हैं और वो राइट हमारे पास नॉर्थ शुरू की डायरेक्शन थी, हमारे पास हमने इस इनिशियल डायरेक्शन को देखना है, ये नॉर्थ है, तो यानी दो बार राइट गया था, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट आपको बताना था, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है हमारे पास साउथ। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। पूछा गया व्हाट विल कम एट अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बताएं जरा 1925 49 121, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 191 64 81, इस क्वेश्चन को निकालना है, बस इस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें इसको। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहां पे सॉल्व, देखें यहीं पे इसी पेपर के पे करवा देता हूं, यहां पे 1 है, 9 है, 25 49 121, कुछ भी नहीं था, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर हमारे पास 9 का स्क्वायर 81 होता है, और लास्ट पे 11 का स्क्वायर करना था, दो दो का गैप चल रहा है, तो 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है यहाँ पे 121। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास 9 का स्क्वायर, यानी इसमें बताना था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, या आपने इसको चूज करना था यहाँ पे, ये बताना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 6 11 21 36 56 91 51 81 42, ये ऑप्शन थे, कुछ भी नहीं, 6 + 5 = कितने होते हैं 11, जब 6 में आप 5 करोगे तो 11 होगा, फिर उसी में हमारे पास 11 में 10 आप प्लस करोगे तो 21 होगा, फिर 21 में आप प्लस 15 करोगे 36 होगा, फिर 36 में प्लस 20 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, निकल के 56 आ जाएगा, फिर इसी तरह आपने 56 में प्लस 25 करना है तो लास्ट आंसर 81 आ जाएगा, ये इस तरह की सीरीज चल रही थी हमारे पास, तो 81 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन ए सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना था, सिंपल क्वेश्चन है, देखें आपको ये पता होना चाहिए डी जो है वो यूज किया गया है किसके लिए, फॉर एफ के लिए, ठीक है, फिर हमारे पास जी इज़ यूज फॉर आई, ठीक उसी तरह पी इज़ यूज फॉर आर, यही बात है, तो इसी तरह सी इज़ यूज फॉर हमारे पास किया गया है ई के लिए, तो हमें शॉर्ट का बताना था, तो हमारे पास इसी तरह से उसका आंसर क्या आ जाएगा, शॉर्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इन ए सर्टन लैंग्वेज प्रोस इज कोडेड एज POQE, हाउ इज लाइट कोडेड इन दैट कोड, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया प्रोज का क्या है, प्रोज का है हमारे पास PROSE, प्रोज का है हमारे पास POQE, यही है, तो हमें किसका बताना था, लाइट का बताना था। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लेटर है वो सेम है, फर्स्ट वाला ठीक है, थर्ड वाला और हमारे पास कौन सा फिफ्थ लेटर सेम है, बट जो हमारे पास इन द प्लेसेस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ लेटर जो प्रीवियस टू लेटर्स आर यूज्ड वो भी हुए हैं, तो सो लाइट का हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइट का आ जाएगा LGGFT, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे ये है, ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया आपसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 × 75 × 78 × 57 × 197, तो आगे आपसे पूछा गया डिविजिबल बाय 34, कुछ भी नहीं करना होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, 73 × 75 × 78 × 57 × 197 × 37, तो डिवाइड किससे करना था आपको,
34 से, जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, 73 को पहले डिवाइड करना है 34 से, फिर इसको डिवाइड करते करते जब आप इन सब को 34 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेंगे, क्या बचेंगे, रिमाइंडर बच के आएंगे। जो रिमाइंडर निकल के आएंगे लास्ट पे क्या करना है, उन रिमाइंडर्स को ऊपर लिखते रहना है और डिवाइडेड बाय 34 करना है। लास्ट पे जो रिजल्ट आएगा आपका वो आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 34 आएगा, जब आप उन रिमाइंडर्स को करेंगे तो लास्ट पे ये निकल के आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फिर 32 निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका लास्ट 32 होगा। मैंने क्या कहा, इन सब को आपस में डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर निकल के आएगा उनको फिर रिमाइंडर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई 34 करना है, फिर आपने उनको क्या करना है, लास्ट पे जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो 64 और डिवाइडेड बाई 34 आएगा, और उसको आपने 32 उसका आंसर निकालना है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज जीरो ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी बी ग्रेटर देन जीरो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आपने फिर करना है। देखिए एवरेज ऑफ 20 नंबर हमें पता है कितनी है, ऑलरेडी जीरो है एवरेज जो दी गई है, और फिर हमारे पास ये है कि जो सम ऑफ 20 नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ 20 नंबर हमारे पास यहाँ पे एक हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास जीरो होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि जो 19 में से नंबर पीछे बचेंगे, 19 ऑफ दीज नंबर्स में भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड इफ़ देयर सम इज ए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पीछे कितने नंबर बचे वो 19 होंगे, फिर वो 20th नंबर होगा माइनस ए, मतलब 20th वाला नंबर जो होगा 20वें नंबर पे वो माइनस ए, मतलब माइनस की कैटेगरी में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछे हमारे पास नंबर बचे वो कितने बचे, 19, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये याद रखना, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसको आप इस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज 20, 27, 28, 30। तो हमें पता है एवरेज का फार्मूला क्या है, टोटल जो सम होगा उसको हम करेंगे, टोटल सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 9 के जो हमारे पास 5 पहले मल्टीपल होंगे वो 9 मल्टीप्लाई 2 होता है प्लस 18 आ जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 27 होता है, 27 आ जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई 4 36 होता है, 36 आ जाएगा, फिर 9 5 जर 45 होता है, पहले 5 मल्टीपल ढूंढने हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमारे पास लास्ट पे आंसर जो निकल के आएगा, इनको आपने प्लस करना है, ऐड करना है, तो लास्ट पे 27 आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन को करना है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई जो आपको दिया गया होगा, ठीक है, कितनी एवरेज कितने नंबर की दी गई है उसके साथ उसको डिवाइड करना है। हाफ परसेंट रिटन एज डेसिमल इज, हाफ परसेंट रिटन एज डेसिमल, ऐसे हम जानते हैं कि 1% हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है, तो 1/2 ऑफ परसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1/100, तो इक्वल टू हमारे पास ये 1/200 हो जाएगा, यही बात है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा लास्ट पे जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 0. क्या जाएगा 005, ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन 35 पूछा गया, ए पर्सन क्रॉसिज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर हावर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जब हम बात करते हैं तो स्पीड की बात करेंगे, स्पीड अगर हम बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वैसे 600 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में कर रहा है और एक घंटे के अंदर 60 मिनट हैं, तो हम मीटर पर सेकेंड कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा इसका यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जब लास्ट पे 2 मीटर आएगा, ठीक है, ये आपने कैसे करना है, 60 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा 500 आएगा, तो ये मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग करेंगे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, तो फार्मूला निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 18 बाई 5, ये फार्मूला आपने लगाना है वहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये लगाया जाता है 18 बाई 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये निकल के कुछ आ जाएगा हमारे पास 7.2 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, ए मैन बाई ए साइकिल फॉर आरस 1400 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा,
यहाँ पे। अच्छा हाँ, पहले हम 36 क्वेश्चन कर लेते हैं। वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर ए रुपी, हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। कास्ट प्राइस जो है पहले 6 टॉफी की वो कितनी है, वो हमारे पास RS 1 रुपी है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है 6 टॉफी की वो कितनी है, वो हमारे पास 120% ऑफ यहाँ पे आ रहे 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगी 6/5, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर RS, अगर हम बात करें 6/5 की, तो टॉफ़ी जो उसने बेची हैं, टॉफ़ी सोल्ड, वो कितनी हो जाएंगी, यानी 6। तो अगर हम इसको आगे करें तो क्या हो जाएगा, RE1 की बात करें तो 1 टॉफ़ी की, RE1 टॉफ़ी सोल्ड, ये हमारे पास कुछ आ जाएगा इक्वल टू 6 × 5/6 इक्वल टू 6 आपस में कैंसिल, पीछे 5 बचेगा, आंसर इसका 5 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, ए मैन बाई ए साइकिल फॉर RS 1400 एंड सेल एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। कुछ भी नहीं करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 85% ऑफ RS 1400 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 85 / 100 × 1400, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इक्वल टू, जब आप इसको करेंगे तो सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 80 × 14, तो ये हमारे पास 85 × 14, ये कुछ हमारे पास निकल के आ जाएगा हमारे पास 5×20। तो इस क्वेश्चन, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ज़ीरो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1190 निकल के आया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास RS 1190 है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट RS 720 देयर इज़ ए लॉस इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज़ कितनी होगी। यहाँ पे हमें पता है जो कास्ट प्राइस है 17 बॉल्स की माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू CP ऑफ 5 बॉल्स के बराबर, ठीक है। CP होता है कास्ट प्राइस, तो CP ऑफ जब हम बात करते हैं 12 बॉल्स की, तो इक्वल टू ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इक्वल टू RS किसके बराबर, 720 के बराबर। तो सी कास्ट प्राइस जो होगी हमारे पास ऑफ 1 बॉल, वो हमारे पास इक्वल टू RS हो जाएगी 720 / 12, जब डिवाइड करोगे RS 60 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला है डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1421 × 1423 × 1425, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिविजिबल बाई यहाँ पे 12। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी है, 3 है, कुछ भी नहीं करना, आपने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 1423 × 1425 / 12, तो आपने इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर निकल के आएगा R इज इक्वल टू कुछ 5 × 7 × 9, जब आप इसको आपस में सबको इसके साथ डिवाइड करते करते रिमाइंडर ये बच के आएगा, फिर 12, तो आगे इसका आंसर निकल के आएगा 3 जब आप करते रहेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 12, 15, 18 and 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कुछ निकल के आएगा, जैसे हम बात करते हैं अगर 12 की, तो 12 का क्या होता है 2 × 2, 2 × 4 × 3, ये फैक्टर निकल के आएंगे, 15 का हो गया 3 × 5, इसी तरह 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3, 3 × 2 = 6 और 3 = 18, और फिर 20 का निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए 2 × 2 × 3 × 5 × 3, तो लास्ट पे निकालना है आंसर। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन का निकल के आएगा आंसर 900, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सीज आर जॉइंड बाई द पनामा कनाल, तो इसका आंसर आता है हमारे पास अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे रह गया था, परमानेंट सेक्रेटरी टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAARC प्रोग्राम इज लोकेटेड एट, तो ये हमारे पास काठमांडू में है, ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है। तो SAARC का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बात करते हैं, हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स पूछा गया, व्हिच इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट ऑफ इंडिया, डीपेस्ट जो हमारे पास लैंड लॉक पोर्ट इंडिया का कौन सा है, डीपेस्ट, क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट, ओके, ये डीपेस्ट
लैंड लॉक्ड पोर्ट है इंडिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स V3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंडेल्को, नेल्को, सेल, बेल्को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्को। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, विच सिटी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडिया इनॉग्रल ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। ओके, याद रखना है। फिर हमारे पास पूछा गया, हु बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन ATP रैंकिंग हिस्ट्री। आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना था नोवाक डोजोकोविक, रोजर फेडर, राफेल नडाल, एंडी मोरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक। ठीक है, डोजोकोविक। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास विटामिन कौन सी हेल्प करती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, SCDTEFUGH-WKL। तो ये एक लेटर सीरीज पूछी गई है आपको। इस सीरीज को आपने पहले खुद सॉल्व करना है, फिर मैं करवाता हूँ कैसे किया गया ये। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है हमारे पास? यहाँ पे 2 अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज जो है विद फर्स्ट लेटर ओनली, जैसे STUVW है, और द सेकंड सीरीज इन्वॉल्व्स द रिमेनिंग लेटर CDEFGHIJKL। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास CVIJ। क्या आपका यही आंसर आ रहा है? तो जल्दी से इसको चूज करें। फिर हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन, सेलेक्ट ए सूटेबल फिगर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको इस एक सूटेबल फिगर करनी है 4 अल्टरनेटिव से, दैट वुड कम्प्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड। आपने ऐसा ही किया होगा। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2 पार्ट है ना फर्स्ट फिगर के, वो रीअरेंज किए गए हैं। ठीक है, एंड जॉइंट किए गए हैं अलॉन्ग द लॉन्गर साइड पे। फिर इसी तरह जो कॉमन साइड है वो देन लॉस टू फॉर्म द सेकंड फिगर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका भी यही क्वेश्चन हुआ होगा। 50 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे ये रह गया था ELFAGLHAILJ-MLNA। तो कुछ भी नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखें कैसे किया गया ये क्वेश्चन, इसको करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि जो सेकंड एंड फोर्थ लेटर हैं इस सीरीज के अंदर एल एंड ए, ये हमारे पास स्टैटिक हैं। ठीक है, और द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर कंसिस्ट ऑफ एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिगनिंग विद लेटर ई। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, आपने यही किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हु रोट द फेमस बुक विद द पीपल, ये किसने लिखी हुई है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नैनी पैल्कीवाला। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, एनी जंग, जगमोहन, MG अकबर, निसम, इजिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगमोहन। फिर इन विच ईयर वाज पुलिटाइजर प्राइज एस्टेब्लिश, 1917, 1918, 1922, 1928। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1917। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अमेरिकन हंगरियन न्यूज़पेपर पब्लिशर किया था, जो जोसेफ पुलिटाइजर थे उन्होंने, और अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में ये दिया गया था। फिर आगे बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द हाईएस्ट गलांट्री अवार्ड इन इंडिया, परम, जो हमारे पास विशिष्ट सेवा मंडल, परमवीर चक्र, या फिर कृति चक्र, या फिर वीर चक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है परमवीर चक्र। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट, पटना, जयपुर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, बीजापुर इज नॉन फॉर इट्स सवेर ड्रॉट कंडीशन, गोल गुंबद, हैवी रेनफॉल, स्टेटस ऑफ गुमेदस्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये जाना जाता है गोल गुंबद के लिए। ठीक है, 59 है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, केरला, मद्रास, बेंगलोर, या फिर न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलोर। ओके, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय द एयर, एमिशन ऑफ ब्लू लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। ओके, ये हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपने कितने आंसर ठीक किए आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ठीक है, और ये पेपर की PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक हम दे देंगे आपको। ठीक है, आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आपको पता चल जाए एक रेफरेंस के कैसे आपको पेपर करना है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर आप क्वेश्चन जो है हमारे पास 30-35 के रेंज में भी करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं, या आराम से क्वेश्चन पेपर करते हैं,
तो आपको क्या होगा कि सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कुछ भी नहीं, बस जो क्वेश्चन आते हैं आराम से करें। ऑल दी बेस्ट। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।